नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राहुल गांधी को सदन से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद चारों तरफ कांग्रेसियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जबलपुर में भी कांग्रेस और युवा कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी कांग्रेसियों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में संजीवनी नगर में भी कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाली की मांग की। इस मौके पर रीना राज सोनकर का कहना था कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है और राहुल गांधी से विशेष रूप से केंद्र की मोदी सरकार डरी हुई है। यही कारण है कि उनकी संसद की सदस्यता को खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी संसद की सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता तो वो सभी उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमने धनवंतरी नगर में नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। उसका कारण ये था कि जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी जी को राज्यसभा सदस्य से हटाया गया, जिनका नरेंद्र जी ने अपमान किया, उसको लेते हुए आज हम लोगों ने धनवंतरी नगर में कांग्रेस वासियों ने, वरिष्ठ गणों ने पुतला दहन किया, विरोध किया है कि आपने जिस तरीके से हमारे गांधी परिवार का और राहुल गांधी जी का अपमान किया है। अगर इसी तरह ये चलता रहा तो और उग्र आंदोलन होगा, इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे। नाम रीना राज सोनकर। तत्कालीन मामला आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, माननीय श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है। ये तानाशाह रवैया क्यों? विपक्ष की आवाज़ कौन सुनेगा? अब कौन आवाज़ उठाएगा पब्लिक की? जनता की आवाज़ बनकर सड़क पर राहुल गांधी निकलेंगे और राहुल गांधी जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में घूमेंगे और हम लोग अपने क्षेत्र में भी राहुल गांधी जी का संदेश जनता तक पहुँचाएंगे और भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाएंगे जगह जगह और ये बात पहुंचाएंगे कि ये तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। इनको बात करनी नहीं आती, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, और अगर कोई बात उठा रहे हैं तो आप ये देखिए विपक्षी दलों का मुंह बंद कर रहे हैं। हम इन सभी मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने धनवंतरी नगर चौराहे पर पुतला दहन किया है और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे हमारे।